हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना एक बार फिर से हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह ने हम सभी को जिंदा रखा है, संभाल के रखा है, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, ठीक है। यीशु मसीह हमें सुबह दिखाता है, रात दिखाता है, ठीक है। रात दिखाई प्यारी सी मीठी सी, प्रभु ने रात दी है, ठीक है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे, ठीक है। प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु हमें अच्छी सी मीठी सी सुख की नींद दे, कोई गंदा कोई डरावना सपना मेरे जीवन में ना आने पाए। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह से बोलना है, ठीक है। यीशु मसीह हम सभी के संग रहता है, प्रभु इतना महान है, दयालु है, हम सभी से इतना प्रेम करता है परमेश्वर की उसने अपना कीमती रक्त बहा दिया है। कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सा, दुख सा, दर्द सा, मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह बहुत महान है, यीशु मसीह बहुत दयालु है, वो करुणा निधान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है मेरे प्रियजनों, उसी ही के द्वारा हम सभी को उद्धार मिला है, अनंत काल का जीवन दिया है प्रभु ने। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे, जो अच्छा स्वास्थ्य दिया, बीमारी से बचा के रखा है, सुरक्षित रखा है, जीवितों के बीच में जीवित रखा है ना प्रियजनों। इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, क्योंकि वही स्तुति की योग्य, वही बड़ाई की योग्य है। इस धरती पर बहुत सारे देवी देवता कहलाते होते हैं, परंतु हमारे निकटतम तो हमारा एक ही प्रभु अर्थात एक ही परमेश्वर है, अर्थात वह यीशु मसीह। मेरे प्रियजनों, वो यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, उसके क्रोध से पृथ्वी कांपती है, जाति जाति के लोग उसके कुल्हड़ को क्रोध को नहीं सह सकते हैं मेरे प्रियजनों, ठीक है। वो इतना महान है, इतना करुणा निधान है, दयालु परमेश्वर है, कि हम सभी से इतना प्रेम किया उसने, कि हम सभी के लिए उसने कीमती रक्त बहा दिया, कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, मेरे प्रियजनों। उसके मुंह पर थूका गया, 39 कोड़े लगवाए गए, कांटों का ताज पहनाया गया, उसको सिरका पर पिलाया गया, उसके मुँह पर थूका गया मेरे प्रियजनों। क्यों? क्योंकि हमारे कारण मेरे प्रियजनों, हमारे शांति के कारण उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, हमारे पापों के कारण उसको कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया, हमारी बीमारियों को बोझ, पापों का बोझों के कारण यीशु मसीह अपनी जान दे दी, ठीक है। यीशु मसीह ने हमारा उद्धार कर दिया है, प्रभु का धन्यवाद देंगे, है ना मेरे प्रियजन। यीशु मसीह महान है, दयालु है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु। यीशु मसीह तुम सभी के मांगने से पहले जानते हैं कि हम सभी को क्या चाहिए। हालेलुया, प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई जय जयकार करते मेरे पिता, आपकी हुजूरी को, आपकी उपस्थिति को, आपकी सामर्थ को मांग लेते पवित्र आत्मा जी, आप हमारे अंदर आइए, हमारे अंदर वास करिए प्रभु। मेरे पिता महान है, मेरे प्रभु आप दयालु, मेरे पिता आप इन सब मसीह भाई बहनों की इच्छाओं को, जरूरतों को जानते हैं प्रभु, कि इन्हें क्या चाहिए, क्या इच्छाएं हैं। मेरे प्रियजनों, आज आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है, आज आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है, पश्चाताप करना अपने पापों के गुनाहों की। हमें अपने पापों को छिपाना नहीं है यीशु मसीह से, हमें अपने पापों को, गुनाहों को यीशु मसीह के सामने मानना है, उन्हें छोड़ना है। यीशु मसीह इतना महान है, करुणा निधान परमेश्वर है, कि वह हम सभी के पापों को, गुनाहों को माफ़ कर देगा। बस हम सभी को यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मानना है, उन्हें छोड़ना है, पश्चाताप करना है। आइए इसी वक्त आप अपने घुटने टेक कर बैठ जाइए और इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ पूरा सुनेंगे, और यीशु मसीह आपके जीवनों में मेरे प्रियजनों चमत्कार करेगा, मिरेकल करेगा, अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दिया है, कुड़िया पाजों को शुद्ध किया है, उसने महान आश्चर्य काम किए हैं मेरे प्रियजनों, ठीक है। वो इतना सर्वशक्तिमान है कि वो हम सभी के मांगने से पहले जानता है, हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, ठीक है। क्या सोच रहे हैं, कैसी चाल चल रहे हैं, यीशु मसीह जानता है और देखता है अपने स्वर्ग से, ठीक है। उसकी आंखें नित्य देखती रहती है, अधर्मी हो चाहे धर्मी हो, दोनों को देखती रहती है, दोनों के ऊपर मेह बरसाता है परमेश्वर, ठीक है। परमेश्वर ने हम सभी से इतना प्रेम किया है कि उसने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह अनंत जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में मेरे प्रियजनों, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यदि आप संकट में, संकेती में हैं, बीमारी में हैं, डरे हुए हैं, बोझ में हैं, कर्ज में हैं, तो यीशु मसीह से बोलना है, यीशु मसीह को पुकारना है। यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से दबे मानते हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियजनों, हम सभी यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे, ठीक है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा, अपने लहू से शुद्ध करेगा, हिम की नाई उजला करेगा मेरे प्रियजनों, ठीक है। वो करुणा निधान परमेश्वर इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनेंगे, लास्ट में अमीन बोलकर रिसीव करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे प्रभु। मेरे पिता आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आपसे नव को यहोवा है मेरे पिता। मेरे प्रभु यीशु पापा हम प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपने मेरे पिता सभी को जीवतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया। मेरे पिता कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे पिता जो मर गए होंगे पिता, अपने माता पिता से भाई बहनों से बिछड़ गए होंगे पिता, वो एक ऐसे स्थान पे चले गए होंगे प्रभु जहाँ की आग नहीं बुझती, जाके कीड़े नहीं मरते मेरे स्वामी। मेरे प्रभु जो आपने हम सभी को संसार से चुना है, उद्धार किया, छुटकारा किया है पिता, आपने नाम ले के बुलाया है प्रभु, आपने कहा है तू मेरा ही है, मैंने तेरा नाम ले के तुझी ही को बुलाया, तुझी ही को चुना है मेरे पिता। आपने कहा मैंने तुझे माता के गर्भ से ही चुना है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी महिमा करते, आपकी जय जयकार करते मेरे पिता, प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो मसीह भाई बहन बीमार हैं पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है पिता, जिन्हें कैंसर है, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, बुखार है पिता, हर नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं ये मसीह भाई बहन प्रभु, ये नहीं चंगे हो रही प्रभु, जो इस वक्त इस प्राणों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, ये मसीह भाई बहन चंगे हो जाएँ, हील हो जाएँ। छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, हालेलुया, छू लीजिए, यू टच मी पवित्र आत्मा जी, छू लीजिए, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन इसी वक्त, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन इसी वक्त, बीमारियों से आजाद हो जाओ, बीमारियों से आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से आमीन बोलते हुए, आमीन बोलते हुए यीशु मसीह के नाम से चंगे होने पाओ। यस हालेलुया। मेरे पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यीशु पिता आपके नाम से मांगते प्रभु, इन मसीह भाई बहनों की बीमारियों को आप चंगा करें पिता, ये मसीह भाई बहन चंगी हो जाए पिता, जो इस वक्त इस प्राणों को सुन रहे अपने मोबाइल पे पूरे विश्वास के साथ सुन रहे पिता परमेश्वर, पिता आप इनके जीवन में हीलिंग कीजिए, आप अद्भुत मिराकल कीजिए, चमत्कार कीजिए। यस हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते यीशु पापा, आपकी प्रशंसा करते प्रभु, क्योंकि आप एक उद्धार करने वाले परमेश्वर पिता, अनंत काल का जीवन देने वाले परमेश्वर प्रभु, इसके लिए पिता का धन्यवाद करते मेरे पिता। मेरे प्रभु जो हम सभी मसीह भाई बहनों से प्रभु पाप गलती गुना हुए पिता, आज इसी वक्त प्रभु आपके सामने अपने पापों से तौबा करते हैं, हम सारे मसीह भाई बहन गुनाहों के माफ़ी मांगते हैं आपसे मांगते पिता, आप हम सभी के पापों को, गुनाहों को, धर्मों को क्षमा करिए ईश्वर राजा, क्षमा करिए प्रभु, क्योंकि आप ही के पास ये अधिकार है पिता कि आप हम सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को क्षमा कर सकते हैं। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार पिता हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार पिता हम सभी के अपराधों को मिटा डालिया। हालेलुया। छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, हर जन को छू लीजिए, बिलेस होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता, हर कला जोधा टोना के बंधन टूटने पाए, हर कराधरा के बंधन उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, छू लीजिए, यू टच मी पवित्र आत्मा जी, हालेलुया। मेरे पिता प्रार्थना करते जो गरीब है, जो लाचार है पिता परमेश्वर पिता, जो कमाने नहीं है मेरे पिता यीशु पिता, पिता ये किसी अन्य जाति के हाथ ना फैले दे पाए पिता, तो वही सबको छोड़ छाड़ के आपके पीछे मेरे पिता आप इनका जीवन संभालिए पिता, आप इनकी लाइफ स्टाइल को बदलिए, इनकी जीवन शैली को बदल दीजिए प्रभु। मेरे पिता मेरे प्रभु आपने कहा है मेरे पिता, मांगोगे तो मैं दे दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो मतलब खोले जाएंगे पिता परमेश्वर यीशु पिता, हम मांगते ढूंढते खटखटाते पिता, इन्हें पवित्र आत्मा दीजिए पिता, इनकी सहायता करें पिता, इन्हें ब्लेस करिए पिता मेरे प्रभु, इनकी गरीबी को, तंगी को, परेशानी को दूर करें पिता, इनका रोना बिलखना चिल्लाने को बंद करें यीशु पिता, इनके जीवन में अद्भुत मिराकल कीजिए, चमत्कार कीजिए, चंगाई उन्हें लिए पिता, गरीबी दूर होने पाए पिता, वो आशीष से खुलने पाए पिता, ओपन द डोर, वो बंद आशीष से खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा, आपकी जयकार करते मेरे पिता, मेरे पिता हम प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर पिता, उन बहनों के लिए पिता जिन बहनों की इच्छाएं क्या हैं, समस्याएं क्या हैं पिता आप जानते पिता, जिन बहनों को संतान चाहिए पिता संतान दीजिए पिता, पिता आप इनकी इच्छाएं को जानते प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु उनके लिए पिता, उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते जो पिता जिन पति पत्नियों के बीच में लड़ा झगड़े थे यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो लड़ा झगड़ा बंद हो जाए, जिन घरों में हर करा धरा के बंधन है, हर करा धरा के बंधन है, जादू टोना के बंधन है, हर रुकावट के बंधन है, शैतानियों की ओर से बंधन है यीशु मसीह के नाम से, बंधन टूट जाए, छू लीजिए पवित्र आत्मा जी,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा छू लीजिए, इनके जीवन में चमत्कार कीजिए, मिरेकल कीजिए, अद्भुत चमत्कार करने लिए यहोवा जुड़ा। और मेरे पिता मेरे प्रभु प्रार्थना करते वो मसीह भाई पिता जो रात में नहीं सपते जो डर लगता भय लगता गंदे सपने ख्याल विचार आते प्रभु गंदे स्वप्न आते पिता परमेश्वर यीशु पिता जो गंदी चाले बद्रोही गंदी दुष्ट आत्माएं के जीवन में कार्य करती है यीशु मसीह के नाम से आज से वे गंदी दुष्ट आत्माएं बद्रोही चाले इनके जीवन से निकल जाए, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तो सुख की नींद आएगी, अचानक कान ले भाई से न डरने यीशु पिता आपके नाम से मांगते आपके नाम से पिता पुकारते प्रभु पिता इन्हें सुख की नींद देना, मीठी सी प्यारी से नींद देना पिता, इस जगह को आपके हाथों में सौंपते पिता, अपने आप को आपके जुलार भाव में सौंपते प्रभु, छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।